brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. टीटीपी के आतंकियों का कोहराम देखना हो तो इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। पाकिस्तानी सेना का एक जवान मुंह ढका हुआ, कनपट्टी के पास बंदूक धरे हंसते हुए तीन टीटीपी के आतंकी मानो पाकिस्तानी सेना को चिढ़ा रहे हों और उसे उसकी कमजोरी का एहसास दिला रहे हों। इस तस्वीर में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के जवान को घुटनों पर लाकर ये आतंकी खुशी जाहिर कर रहे मानो इन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस तस्वीर में ये आतंकी जिस पाकिस्तानी जवान के साथ दिख रहे हैं उसे उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले के बाद अगवा कर लिया गया था। वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए और 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर के बाहर आने से कई तरह के सवाल भी पाकिस्तानी फौज पर खड़े हो रहे हैं, मगर हमेशा की तरह पाकिस्तान इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए है, इसे छुपा रहा है। हालांकि भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। अब देखा जाए तो टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। एक ओर ये तस्वीर वायरल हो रही तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना का डेलीगेशन जो 12 मई को कंधार पहुंचने वाला था ताकि वो अफगानिस्तान से आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के मुद्दे पर चर्चा कर सके, उसे तालिबान ने रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने डिप्लोमेटिक सोर्सेज को कोट करते हुए बताया है कि पाकिस्तानी सेना के डेलीगेशन में हाई रैंक अफसर शामिल थे जो 12 मई को कंधार जाने वाले। इस दौरान दोनों पक्ष आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे के समाधान के लिए चर्चा करने वाले थे। पाकिस्तान का आरोप है कि उसकी सेना पर सबसे ज्यादा हमले करने वाले टीटीपी को तालिबान का संरक्षण है और इसके सदस्य अफगानिस्तान में रहते हैं। वहीं तालिबान ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि डेलीगेशन की मुलाकात कंधार के गवर्नर और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के उप प्रमुख मुल्ला शिरीन अखुन से होने वाली थी। मुल्ला शिरीन को तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुन ज़ादा का करीबी माना जाता है। वो उन प्रमुख लोगों में शामिल है जिसने पाकिस्तान और टीटीपी के बीच बातचीत कराने में काफी मदद की थी। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने की कोशिश में मुल्ला शिरीन की अहम भूमिका रही है, लेकिन पाकिस्तान ये दौरा कर पाता कि उससे पहले तालिबान ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और इस दौरे को रद्द कर दिया। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हर तरफ से फंसता चला जा रहा है। टीटीपी के आतंकी धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैलते जा रही हैं। एक ओर वजीरिस्तान से आई ये तस्वीर, दूसरी ओर अफगानिस्तान ने दौरा रद्द किया और तो और पीओके में भी टीटीपी के आतंकियों ने लोगों की तरफ से पाकिस्तानी फौज को धमकाया है। देखना ये होगा कि आखिर पाकिस्तान टीटीपी से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।